हमारे साथ है अब्दूत साठे। आज का पहला प्रश्न। गुड मॉर्निंग अब्दूत सर, मेरा नाम श्रद्धा है और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइस टू बुक रेशियो। गुड मॉर्निंग श्रद्धा, प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीबी रेशियो, ये एक रेशियो है जो बताता है कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, यानी एक वैल्यूएशन की तुलना की जाती है। अब कौन से वैल्यूएशन की? कंपनी की दो वैल्यूज होती है, बेसिकली एक मार्केट वैल्यू होती है जो शेयर प्राइस पे डिसाइड हो जाती है, और दूसरी है बुक वैल्यू। बुक यानी कंपनी के बुक्स के हिसाब से, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिनेंशियल्स के हिसाब से जो वैल्यू है, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या हो जाएगा? मान लो किसी कंपनी की शेयर मार्केट वैल्यू है 500 करोड़ और बुक वैल्यू है सिर्फ 250 करोड़, यानी प्राइस टू बुक रेशियो हो गया 2, यानी कंपनी इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट डबल देन इट्स एक्चुअल वैल्यू एज पर द बुक्स। लेकिन वही अगर मार्केट वैल्यूएशन है 500 करोड़ और कंपनी की बुक वैल्यू है 1000 करोड़, इसका मतलब है प्राइस टू बुक रेशियो हो गया 0.5, तो ऐसा माना जाएगा कि यार ये कंपनी की वैल्यू तो बड़ी है लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, यानी अंडर वैल्यूड है, 0.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो जनरली एक के नीचे अगर प्राइस टू बुक है तो उसे जनरली अंडर वैल्यूड कंपनी कहा जाता है। कंपनी में डिजर्व अ हायर प्राइस टू बुक रेशियो, बट यस, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये प्राइस टू बुक रेशियो जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। होप यू गॉट द आंसर डियर।